हरियाणा सरकार प्रदेश में गिरदावरी की रिपोर्ट के आकलन के बाद मुआवजा राशि की घोषणा पर खुद की पीठ थपथपा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश में पिछले दिनों में हुई किसानों की मौत को दुखद उन्होंने माना है। हालांकि उन्होंने कहा है कि किसानों की मौत क्यों हुई है इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन खट्टर कैबिनेट में कृषि मंत्री ओपी धनकर ने साफ कर दिया है कि सरकार आत्महत्या करने वाले किसानों के साथ नहीं खड़ी है। उन्होंने कहा कि आत्महत्या करना अपराध है और ऐसे लोग कायर हैं। उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि हरियाणा का किसान साहसी है और वो आत्महत्या नहीं कर सकता। ओपी धनकर के इस बयान की इनेलो और कांग्रेस ने निंदा की है और धनकर को नसीहत दी है कि वह किसानों का दर्द समझें। इस वर्ष की जो गिरदावरी है वो गिरदावरी हमने 22 अप्रैल तक पूरी करा ली है और कुल इसमें जो फसलों का मुआवजा बना है सब आंकड़ों के आधार पर 1092 करोड़ रुपए ये इस बार फसलों के नुकसान के लिए हम दे रहे हैं। देखिए, आत्महत्या एक अपराध है भारतीय कानून के हिसाब से। कोई भी आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से भाग अपने नादान बच्चों और अबोध सी पत्नी पर अपना बोझ छोड़कर चला जाता है और ऐसे लोग कायर होते हैं। और सरकार जैसी कोई भी संस्था किसी भी ऐसे कायर आदमी के साथ नहीं खड़ी हो सकती। हाँ, अभी सारा रेवेन्यू के हाथ में पटवारी बताता है, लेकिन आने वाले समय में एडियो, आने वाले समय में एरियल फोटोग्राफ बेटर होगा, सेटेलाइट मिजरी बेटर होगी वो, और टोटल रिकॉर्ड्स के मैप्स यहाँ मेरे कमरे में भी हम चाहें आप देख सकें कि कौन से खेत की गिरदावरी 25 से 50 है, कौन से खेत की गिरदावरी 25 से 75 है, 75 से 100 है। अगर हमारे कृषि मंत्री ये कहते हैं कि आत्महत्या कायर लोग करते हैं, कायर लोग आत्महत्या नहीं करते, आत्महत्या करने पे किसी को मजबूर किया जाता है, आपकी पॉलिसियां गलत है, आपके फैसले गलत है, इसकी वजह से किसान को मजबूर होकर के सुसाइड करना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है अगर इस तरह का वक्तव्य प्रदेश के कृषि मंत्री का आता है कि आत्महत्या करना अपराध है। ठीक है, आत्महत्या करना ये कानूनी रूप से है, लेकिन किन परिस्थितियों में किसान आत्महत्या करने को मजबूर है आज ये भी हमें सोचना होगा। प्रदेश में कोई आत्महत्या कोई शौक से तो नहीं करता है। इतने कम अंतराल में हरियाणा में पहली बार इतनी आत्महत्याएं हुई हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।